अगर उफा में बातचीत हुई, साझा वक्तव्य जारी हुआ, 10 दिन के बाद उधमपुर और उसके बाद दीनानगर पे हमला हुआ, अब 1 सप्ताह के बाद होगा। केवल प्रधानमंत्री जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कि क्या आश्वासन मिले थे। और यह भी सोचना होगा कि क्या हमारा कहीं कोई इंटेलिजेंस में कमी रह गई, फेलियर हुआ है, और भविष्य के लिए सजग रहना आवश्यक है। क्योंकि ये निरंतर हुए हैं हमले, और बेहतर यही होगा कि सबसे पहले इस बात के बारे में देश आश्वस्त हो। हमने पिछले सप्ताह यही आशंका जाहिर की थी कि अच्छा वातावरण बनने के बाद वो शक्ति, वो संगठन जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं, जब तक वो मन से इसके पक्ष में ना आ जाए दोनों देशों के संबंधों के सुधार में,